कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, तुम बड़ी ही बावन बावन कथाओं को श्रवण करते हुए आ रहे हो और अभी आप भैया जी के मुखार बिंद से श्रवण कर रहे थे। बड़ा ही सुंदर प्रसंग कि भगवान कन्हैया जो थे जब मथुरा में रहने लगे तो मथुरा में रह करके परीक्षित महाराज कंस का जो ससुर था जरासिंध, तो जरासिंध को जब ये पता चला कि मेरे दामाद को कृष्ण बलराम ने मार दिया तो महाराज जरासिंध ने कहा कृष्ण बलराम ने मेरे दामाद कंस को मारा, मेरी बेटियों को विधवा किया है, हम कृष्ण बलराम को छोड़ेंगे नहीं। तो महाराज उसी समय जरासिंध अपनी सेना लेकर के गया मथुरा पर चढ़ाई की। प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि 17 बार चढ़ाई की है मथुरा पर जरासिंध ने और 17 बार चढ़ाई करते करते हारता रहा। जब हारता रहा तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित जरासिंध के जब उत्पात ज्यादा ही बढ़ गए तो भगवान कन्हैया ने देखा कि जरासिंध ये जो है इसके उत्पात ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और अगर ये मथुरा पर ऐसे ही चढ़ाई करता रहा तो मेरी सेना पर वो मेरी प्रजा पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, मेरी सेना को नुकसान होगा मेरी प्रजा को। तो भगवान ने क्या किया परीक्षित महाराज कि मथुरा को छोड़ दिया और मथुरा को छोड़ करके समुद्र के अंदर एक नगरी बसाई जिसका नाम पड़ा द्वारका। जब द्वारका नाम पड़ा है तो महाराज भगवान कन्हैया बलराम के साथ में सारी मथुरा के प्रजा को लेकर के द्वारका में रहने लगे और भगवान कन्हैया द्वारका के राजा बने। तभी उनका एक और नाम पड़ा द्वारकाधीश भगवान। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। जब द्वारकाधीश नाम पड़ा तो महाराज भगवान कन्हैया बलराम रहने लगे हैं द्वारका में, अपना जीवन यापन करने लगे। इधर महाराज बलराम जो है वो बड़े हैं तो भगवान कन्हैया ने बलराम से कहा भैया अब तुम विवाह के योग हो तो जब तक तुम ब्याह नहीं कर रहे हो तब तक ब्याह में रुक नहीं हुई है, तो ऐसा करो सबसे पहले तुम अपना ब्याह कर लियो। अब बलराम बोले कर तो लिए लेकिन कहूँ रिश्ता तो आंधे कहूँ बिटिया के लिए विवाह हम कर लेंगे। तो महाराज प्रमाण ये मिला है कि एक अरसत नाम की नगरी थी जिसमें महाराज रेवतक राज करते थे और जब रेवतक राज करते थे प्यारे श्रोताओं तो उन्हीं रेवतक के घर में महाराज एक बड़ी सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा था रेवती। अब प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि ये रेवतक जो थे इनका जन्म सतयुग में हुआ था और भगवान कन्हैया का अवतार कब हुआ था द्वापर में। तो परीक्षित महाराज जब रेवतक का जन्म हुआ सतयुग में तो सतयुग में ही इनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा रेवती। जब रेवती धीरे 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 बड़ी हुई तो बड़ी होने के बाद में महाराज विवाह के योग्य रेवती हो गई तो ये जो रेवतक थे ये नित्य प्रतिदिन ब्रह्मा जी की सभा में बैठने के लिए जाया करते थे और जब ब्रह्मा जी की सभा में बैठने के लिए जाया करते थे तो महाराज उसी समय एक बार रेवती की मैया ने जब रेवती को देखा तो रेवती की मैया कहने लगी कि मेरी बिटिया रेवती जो है वो विवाह के योग्य हो गई है तो हमें सुंदर सा लड़का देख करके अपनी बेटी रेवती का विवाह कर देना चाहिए। और कहा जाता है कि घर में अगर बिटिया सयानी हो जाए तो हमारा सबसे ज्यादा चिंता मैया को लगती है, सबसे ज्यादा चिंता माँ को लगने लगती है। तो प्यारे श्रोताओं आज रेवती की मैया ने जब देखा कि मेरी बिटिया विवाह के योग्य हो गई उसी समय महाराज रेवती की मैया ने रेवतक से कहा महाराज तुम्हें नहीं पता है कि मेरी बेटी रेवती जो है वो विवाह की योग्य हो गई है और तुम तो सारा दिन अपने राज्य के कामों में लगे रहते हो और पता भी है मेरी बेटी विवाह की योग्य हो गई है, अरे सुंदर सा लड़का देख करके इसका विवाह कर दो, जो इतने वचन कहे विवाह कर दो।
बताओ। रेवतक ने जवाब दिया, अगर मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है तो तुम चिंता ना करो, हम जाएंगे और जा करके अपनी बेटी के लिए सुंदर सा लड़का देखाएंगे। तो परीक्षित महाराज, एक समय की बात की, रेवतक जो थे वो ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे, और जब ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे हैं तो पहुंचते पहुंचते महाराज ब्रह्मा जी की सभा में रेवतक बैठ गए। और बैठने के बाद में रेवतक कहने लगे, ब्रह्मा जी हमें अपनी बेटी के रेवती के लिए सुंदर सा लड़का देखना है, तुम्हारी नजरों में कोई लड़का हो तो बता दो। अब जो इतने वचन गए कि लड़का हो तो बता दो, तो परीक्षित महाराज से चर्चा छड़ी रही, लेकिन प्रमाण यहाँ तक मिला कि रेवतक उस सभा में बैठे बैठे इतने लीन हो गए कि महाराज तीन युग बीत गए लेकिन रेवतक को अपनी पुत्री रेवती की याद नहीं आई, इतने लीन हो गए उस सभा में। क्या लिखा है महाराज, हाथ की हुई गई रे के बिटिया की लंबाई, रेवतक ब्रह्मा जी की सभा में बैठ करके इतने लीन हो गए कि महाराज तीन युग बीत गए लेकिन रेवतक को अपनी बेटी रेवती की याद नहीं आई। महाराज रेवतक का जन्म हुआ था सतयुग में, और जब सतयुग में रेवतक ब्रह्मा जी की सभा में बैठने के लिए गए तो महाराज सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, आ गया द्वापर, तब तक रेवती की लंबाई हो गई परीक्षित महाराज 21 हाथ लंबी। अरे सुनो सभा के भ्रात भूप अकला तो सोच दो छाई, तब ब्रह्मा जी ने ऐसे गिरा सुनाई, क्योंकि रेवती की महाराज द्वापर आते आते 21 हाथ लंबी हो गई थी रेवती। अब जब बताओ जो बिटिया 21 हाथ लंबी हुई है तो उसी तो खम्भे से लगी है।